हाँ चुम्मा चाड़ी से एक बात याद आया भाई, हाँ रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण गलती से मिल गए ना, बदला तो लेगा तेरा भाई, ऐसा बोल के रणवीर कपूर हो जाएगा काम पूरा। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटिनी में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों फाइनली आज बड़े स्क्रीन पे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज हो गई है। दोस्तों आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, धर्मेंद्र पाजी, जया बच्चन और जी हाँ दोस्तों, और चलिए हमारे साथ इस वक्त इस मूवी को देख के आ गए हैं हमारे तेलुगु फैन, बोले तो आपके तेलुगु फैन, और आज होगा डिबेट, बोले तो फाइट वंस अगेन। देखो भाई क्या देख रहा भाई? टिकट देख। रॉकी रानी प्रेम कहानी लिखा हुआ नहीं है यार इस पे यार? प्रेम कहानी तो छोड़, उसमें ना कुछ भी नहीं है पिक्चर में, कुछ भी नहीं है। अब ये 260 रुपए में किससे जाके लू सोच रहा हूँ? मेरे से लेगा? नहीं तुमसे नहीं लेगा। ये एक बार ना टिकट है ना थिएटर में जाने से पहले ना ये फट जाता ना तो इसका कुछ वैल्यू नहीं रहता। ये तो बराबर बराबर, तो ये पिक्चर का भी कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ये जिसको अच्छा लग रहा है भाई, पता नहीं किसको क्यों अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे तो भाई जर्रा भी पिक्चर अच्छे नहीं लगे। क्या चाहिए था तेरे? सुन पहला बात सुन, एक हिट एक फ्लॉप और एक सॉरी एक एवरेज और एक हिट रहता है। एक्सपेक्टेशन भी और वही थिंकिंग रहेगा अपना कि पिक्चर में कुछ है ही नहीं। अच्छा कुछ भी नहीं है। और दूसरा करण जौहर का पिक्चर कभी आया था लास्ट पिक्चर? ए दिले मुश्किल, उसने डायरेक्ट किया था लास्ट। कितने साल बाद आया? 7 साल। 7 साल बाद आया फिर भी नहीं सुधरा तू? फिर भी नहीं सुधरा? ऐसा बोल रहा यार, तू बोल रहा है यार। अरे ये ना 260 रुपये है, अरे है मेरे लिए वैल्यू है ना भाई, उसको तो कुछ नहीं रहेगा। मैं भी 150 रुपये लगा के सुबह सुबह पिक्चर देखा। कुछ नहीं है पिक्चर में, तेरे को क्या पसंद आया बता। एंटरटेनमेंट है यार, और क्या चाहिए था यार, इमोशन। देख मैं ना प्लस पॉइंट्स बताता हूँ, प्लस पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, खुद बता दूंगा। रणवीर सिंह का सेकेंड हाफ में ना एक जगह पे परफॉर्मेंस है अल्टीमेट है, जो फैमिली में इंटरेक्ट होता है जो। और दूसरा आलिया भट्ट का परफॉर्मेंस, उनका तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है एक्टिंग के बारे में, बराबर। और दूसरा और जया बच्चन जी जी, उनका तो क्या बात ही नहीं कर सकते अपन, वैल्यू है भाई उनके। हाँ लेजेंडरी एक्टर है। और धर्मपाजी? नहीं धर्मपाजी तो हाँ सिटिंग ये था एक्टिंग का, लेकिन अच्छा किया उन्होंने। और एक जन है जो कथक करते, जो नाम तो नहीं पता, जो ये आलिया का फादर का कैरेक्टर। हाँ आलिया का फादर जो कैरेक्टर है ना, अरे यार एक जगह पे डांस करते हैं उस ऑडियंस के सामने, भले वो ऑडियंस हंसती है, लेकिन मेरे को उस टाइम पहले करण जौहर याद आ गया। हाँ करण जौहर याद आ गया, वो तो ये था ऐसे नाच रहा था वो। मेरे को ना एक जगह पे करण जौहर याद आ गया था। अच्छा वो कथक सॉरी कथक करते ना जो आलिया भट्ट का डैडी, कथक करते ना वो पब्लिक के सामने, क्या यार वो करण जौहर की, मेरे को पूरा फ्रेम करण जौहर का याद आ गया। लेकिन हाँ वो उनका कैरेक्टर एक नंबर था यार, सलाम इमोशनल कर देता है वो। एक एक सीन है उसी टाइम रणवीर का सीन ओपन होता है, मतलब कुछ कुछ सीन अच्छा लगे ना, कुछ कुछ फ्रेम्स सीन भी नहीं फ्रेम्स, जैसा भी रोने का फ्रेम्स है कुछ। अरे यार पूरा एवरेज पिक्चर है एवरेज, ये अपन ये सोच के आएंगे ना कभी खुशी कभी गम और कौन सा और कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो, जिसमें शाहरुख खान कभी कुछ कभी गम में ना मर जाता है जो शाहरुख खान, कल हो ना हो। कौन है डायरेक्टर उसका? करण जौहर। करण जौहर है ना, पक्का है ना? क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है पिक्चर। तो वो लेवल का नहीं है तुम यार, तुम्हारा जो अंधेरी में इतना बड़ा ऑफिस खोल के रखा है ना, कुछ काम का नहीं, ना स्क्रिप्ट बराबर है ना डायरेक्शन, इतना गैप के बाद डायरेक्शन कैसा रहना चाहिए 7 साल के बाद? मतलब ऑडियंस तुमको जान, स्पेशली लेडीज, उनका मूवी बोला अभी देखो जाके पूरा लाइन लगेगा, उनको ये नहीं पता है कि पिक्चर एवरेज है। चुम्मा चाड़ी कैसा लगा? हाँ चुम्मा चाड़ी से एक बात याद आया भाई, हाँ। अगर इन फ्यूचर रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण मिल गए ना, रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण गलती से मिल गए ना, बदला तो लेगा तेरा भाई, ऐसा बोल के रणवीर कपूर हो जाएगा काम पूरा। अरे इतना इतना यार इतना गाने में एक जगह देख रहा हूँ उल्टा किस कर रहा है यार, ये कौन सा तरीका यार उल्टा किस कर रहा है? लिफ्ट में भी? हाँ लिफ्ट में खतरनाक सीन था यार, ऐसा लग रहा था हवस को पूजा रही है दोनों, जैसे लग रहा साल भर बाद मिले थे। नहीं ऐसा लग रहा कि हजारों साल बाद सौगात हो गया था उनका, इतना लंबा किस मार रहा है अंदर। और दूसरा क्या था, हाँ बारिश का एक सीन है, ऐसा सो के किस कौन सा रहता है वो सिखा रहे ऑडियंस को कैसा करो, कौन सिखा रहे वो लोग कैसा करो,
लोनावाला में जाके क्या भी बारिश का है? नहीं पिक्चर ना, अभी रही बात पिक्चर की भाई, एवरेज पिक्चर, एवरेज हिट और फ्लॉप के बीच में ना, इन बीच में ही रहेगी और हिट तो ज्यादा। अच्छा ये बताओ करण भाई बीच का तो बीच के टैग दे रहे क्या? ऐसा नहीं भाई, सबका अलग अलग है। हाँ एक और बात, ये पिक्चर देखते देखते ना मेरे को कभी सीरियल लग रहा था, कभी पिक्चर लग रहा था, बिल्कुल करण जोहर जैसा। बीच बीच का बीच बीच में ही हूँ मैं। अच्छा या तो सीरियल लग रहा था कभी कभी या पिक्चर लग रहा है कभी कभी, एकदम वैयाद पिक्चर। मेरे को पता नहीं, मेरे को ना रिव्यू देखना है यार, रात को बैठ के आराम से ना, आराम से बैठ के ना मेरे को पूरा रिव्यू देखना है, यहाँ मुंबई का या साउथ का। मेरे साउथ वाले तो इल्ले इल्ले पल्ले पल्ले रहेंगे। आपके तुमको मूवी अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा नहीं, अच्छा नहीं लगने से भी बंडल पिक्चर है। बंडल, बंडल का टैग, बंडल का टैग एकदम बंडल। मैं बोलता ना, ना सीरियल ना पिक्चर, सिर्फ करण जौहर। जो सोचने सोचो, लेकिन भाई तुम अच्छा पिक्चर निकालते, भरोसा है, लेकिन इस बार तो मुश्किल है। चलो अब ऑडियंस कितना कितना करो, कितना बजट है इसका? बजट बाद में बताएंगे आपको। नहीं बता दो ना। नहीं नहीं 150 के आसपास है। 150 के आसपास है, पानी में गया पूरा। यही बजट राजामौली के देता ना, और ये स्क्रिप्ट देता ना राजामौली, तो डस्टबिन में डाल देता। तो देख सकते दोस्तों ये था हमारा डिबेट। हालांकि आप लोग अगर अभी तक मूवी नहीं देखे हो, अगर देख लिए है तो आप लोग बताओ कि आपको कैसी लगी राखी रोकी और रानी की प्रेम कहानी, आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।